ननी ला दूध पिलात रहे दीदी। साक्षी 6 महीना खो गई ना तारा। हाँ दीदी, ही महीना हो इस वो। साक्षी खाना खिलाए बार चालू करे हस तारा। लान चल लाइक कल खाना खवाए कई खत हो अभी ना खाना खवाए हम चल चल झन लाइक हो फिर कहीं नहीं खवाए पियाए दे। बाकी साक्षी के शरीर है बढ़ा थे बैठा थे मरियावा थे तब खाना खिलाए के जरूरत पड़ी। साक्षी अभी छोटे है वो खाना खिलाए बार बोलता तो कर तो दांत नहीं आए तो कैसे चाभी हो। हाँ तो ठीक बोला था, साक्षी अभी छोटे है एकरे से तेवर नरम मुलायम पतला खाना मसल के खिलावे। साक्षी रे काका खिला सकथन दीदी? दाल चावल हरा सब्जी बिना मिर्ची वाले रेडी टू ईट, रोटी दूध में मसल के खिला सकथस, अंडा केला उबले हुए आलू मसल के खिला सकथस। जी हाँ, बढ़ते लइका मन के शरीर और दिमाग के विकास पर लइका मन ल खाए में वो सब देना चाहिए जेमें प्रोटीन विटामिन मिनरल और सारे पोषक तत्व हो। ये सब बात ल ध्यान में रख के 7 प्रकार खाए के समूह बनाए गए हैं। पहला खाए के समूह है अनाज एवं कंदमूल के, जेमें चावल मक्का ज्वार बाजरा आलू और कच्चा केला मनाते। दूसरा समूह में दाल मेवे एवं फलियाँ, जेमें मसूर चना राजमा सोयाबीन और बादाम वगैरह। तीसरा समूह में मांस एवं मछली। चौथा समूह में अंडा आते। पांचवा समूह में दूध एवं दूध से बने चीज़ मनाते। छठवा समूह में मौसमी गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां और मौसमी गहरे पीले या नारंगी रंग के फल जैसे कि पालक मेथी बथुआ साग पका पपीता टमाटर और गाजर और कोहड़ा वगैरह। सातवां समूह में अन्य सब्जी व फल आते जैसे कि गोभी भिंडी प्याज बैगन सेब ककड़ी और केला वगैरह। कोरोना महामारी के खतरा से अपन लइका मन ल दूर रखे बर लइका मन के खान पान में विशेष ध्यान रखे के जरूरत है ताकि लइका मन के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बने रहे। लइका मन ल हमेशा सही समय में सही मात्रा में पूरक आहार देना चाहिए और उकर खान पान में विविधता के भी ध्यान रखना चाहिए। लइका मन ल विटामिन ए विटामिन सी और जिंक से भरपूर मौसमी फल जैसे कि केला आम पपीता जाम आंवला और स्थानीय रूप से उपलब्ध पीले रंग की सब्जियां जैसे कि गाजर और कोहड़ा वगैरह। एकर अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा मछली मांस दूध और दूध से बने पदार्थ ल खाए के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो कोरोना जैसे संक्रमण और अन्य बीमारी से बचे में मदद करते हैं। एकर अलावा खांसते या छींकते समय हमेशा रुमाल कोहनी या फिर मास्क के उपयोग करो। अपन आँख नाक और मुँह ल झंझ छुआ एतियोती थुकाओ भी मत और 2 गज के दूरी के जरूर पालन करो।